आज फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये सारी ट्रिपिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप स्लोली आप लोगों को बताऊँगी फिर से, जैसे कि आपने पिछली बार भी मुझे बोला था कि स्लो दिखाना, तो वो वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया, लेकिन आपने और भी वीडियोस मांगे थे। तो फिर ये देखिए, मैं फिर से लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके, एक पल्लू की बाजू रहती है तो दूसरे वाली लेकर मैं किस तरह से पहन रही हूँ। तो इसी तरह से आपको पहनना है। ये साड़ी को थोड़ा आयन नहीं किया था इसलिए ये ऐसी लग रही है थोड़ी इसके वजह से सॉरी। लेकिन ये देखिए, ये बहुत ही पतली साड़ी है, लेकिन इसका बॉर्डर देखिए अब कितना बड़ा है। देखिए, पहले वाली बहुत बड़ी लेनी चाहिए, इसकी प्लेट, पल्लू की प्लेट, और अंदर से थोड़ा छोटा छोटा, ताकि वो मतलब जो, वरना कंधे के ऊपर से वो बाकी के दिखते हैं ना प्लेट्स, वो बहुत गंदे लगते हैं, इसलिए ये पहला वाला थोड़ा सा बड़ा ही रखना चाहिए, और अंदर से बाद में वो छुप जाता है। ये देखिए, मेरे कभी कभी हाथ में भी नहीं आता, तो मैं बहुत स्लोली आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सारा मैं स्किप करती थी पहले, तो अभी मैं धीरे धीरे से दिखा रही हूँ कि ऐसा सभी के साथ होता है तो ये नॉर्मल बात है। ये देखिए, मैं पल्लू ज़्यादा बड़ा ही रखती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा ही पल्लू पसंद है, लंबा नीचे नीचे तक मैं रखती हूँ। बहुत ही दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लंबा पल्लू लेते हैं तो, लेकिन अगर आपको कुछ काम वाम करना है तो ज़्यादा बड़ा पल्लू मत रखिए, छोटा ही रखिए। ये देखिए, इस तरह से एक एक करके लेती हूँ। देखिए, मेरे हाथ में भी कभी कभी नहीं आती है साड़ी कुछ साड़ी ना बहुत अच्छे से हाथ में आ जाते हैं, कुछ साड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है और आप जब ऐसे कॉम्बिनेशन वाले साड़ी पहनते हो ना, तो उस पर ज्वेलरी भी ऐसे मैचिंग से पहने तो और भी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो फिर मैं पल्लू के यहाँ पे पिन लगा देती हूँ, और आगे भी यहाँ पर भी एक पिन ज़रूर लगाएं, नहीं तो कब पल्लू नीचे आ जाता है पता भी नहीं चलता। एक एक बार तो मैं तो पल्लू को यहाँ पर भी पिन लगाती ही हूँ, और उसके बाद बाकी की जगह एडजस्ट कर लेती हूँ साड़ी को, और इस पर बहुत अच्छा भी लुक आता है। फिर गहने भी इस पर बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, छुपते नहीं हैं बाद में। ये देखिए, ऐसे पल्लू के प्लीट्स भी निकालनी चाहिए। ये एक एक करके मैं दिखा रही हूँ आपको, स्लो दिखा रही हूँ। पहले मैं बहुत फास्ट स्पीड में करती थी ये सारे, और ये ऐसे यहाँ पर भी अच्छे से, ये देखिए, इस तरह से कमर से लाए, और इसको यहाँ पर भी एक पिन लगा सकते हैं, या फिर दूसरे वीडियो में जो मैंने ट्रिक दिखाई थी वो भी आप शॉर्टकट कर सकते हैं अगर आपको पिन नहीं लगानी है तो, क्योंकि कभी कभी साड़ी ना ख़राब हो जाती है अगर पिन लगाते हैं तो। हाँ, ये साड़ी ख़राब नहीं होगी पिन लगाने से, तो फिर इस पर मैं पिन लगाती हूँ। ये देखिए, ये बॉर्डर के पास मैंने पिन लगाई, तो फिर ये साइड से लुक देखिए। यहाँ पर आप प्लेट्स भी निकाल सकते हैं इस तरह से, ये देखिए, ऐसे प्लेट्स भी निकाल सकते हैं आपको जैसे चाहिए। ये ना कमर पे बाद में बहुत अच्छे लगते हैं, इस पर और भी प्लेट्स आएंगे। ठीक है, पहले मैं अभी प्लेट्स लगा देती हूँ यहाँ पर, ये दूसरे साड़ी के, इसके प्लेट्स बहुत ही कम आते हैं। ये देखिए, ये पहले मैं फास्ट स्पीड में सब कुछ दिखाती थी। और इस पर ना, अगर आप कोई दूसरा भी कलर का पहन रहे हो तो उस तरह के कंगन, अगर कांच की चूड़ियाँ वगैरह हैं आपके पास, तो वो भी आप उस पर मैचिंग पहन सकते हैं, या फिर ब्लाउज़ के कलर की, या तो साड़ी के पहन कलर के, जो बॉर्डर की कलर वगैरह हैं वहाँ के, गोल्डन भी पहन सकते हैं। यहाँ पर मुझे गोल्डन का भी ऑप्शन है, इसलिए मैं गोल्ड भी पहन सकती हूँ इस पर। देखिए, ये इसको अंदर डालना है बोल रही थी मैं, ये स्किप कर देती थी मैं सब कुछ, ये कभी कभी फोल्ड भी हो जाते हैं बॉर्डर ये साड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फिर भी ये भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये साड़ी थोड़ी सी अजीब सी रहती है, लेकिन ये वाली साड़ी भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। ये देखिए कि पल्लू के अंदर सब कुछ छुप जाता है अंदर का। ये देखिए, इसके भी प्लीट्स बाद में ऐसे एक एक करके एक जगह पे इकट्ठा करनी है, उस पर भी वो साड़ी की पिन लगानी है। आप दूसरी वाली भी साड़ी की पिन लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसी वाली होती हैं वो भी लगा सकते हैं। ऐसे भी पिन्स बहुत सारे ऑप्शन में आते हैं, या फिर आप नॉर्मल वाली पिन भी लगा सकते हैं जो
पल्लू को वगैरह लगाई है वैसी ही वाली ही। तो आप देख सकते हैं इसके पेट्स भी कितने अजीब रहते हैं, लेकिन फुल के रहते हैं, बहुत अच्छी लगते हैं। ये देखिए इसके कुछ ही प्लीट्स आते हैं, ये देखिए, लेकिन येलो कलर बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे आप जब भी साड़ी ख़रीदने जाओ तो ना ऐसे खुद पर रख के, मतलब आपके स्किन को टच करके ज़रूर देखें आईने में कि वो आप पर खिलकर दिख रहे हैं या नहीं। और फिर आप मंगलसूत्र हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ऐसे गोल्ड में भी आप पहन सकते हैं, या फिर रेड में, येलो में, जो भी है वो आप इस पर पहन सकते हैं। मैंने ये येलो कलर की पहनी है, इयररिंग्स भी कंगन रेड किए हैं मैंने गोल्ड के साथ, आप देख सकते हैं। और जूड़ा तो वाओ, जूड़ा तो बहुत ही अच्छा लगता है इस पर। येलो कलर और रेड कलर के फ्लावर नहीं थे मेरे पास, तो फिर मैंने ऐसे ही आप लोगों को दिखाया। ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, और आप कैसा वीडियो देखना चाहेंगे ये भी कमेंट करें।